हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ साइकस, पाइनस, इफेड्रा और वेलवेस्टिया भी को क्वेश्चन आएंगे। इसमें लगभग पूरा का पूरा हमारा जिम्नोस्पर्म आपको यहाँ मिलेगा। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तो चैनल ग्रोथ करेगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। ये उन मित्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस झारखंड और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और पीसीएस में बॉटनी चूज किए हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म पजेस निमेटोफोर्स, इनमें वो कौन सी जाति है जिसमें निमेटोफोर पाए जाते हैं, बताएगा इनमें वो कौन सी जाति है जिसमें निमेटोफोर पाए जाते हैं। तो वो टैक्सोडियम जाति है जिसमें निमेटोफोर पाए जाते हैं। ध्यान रखें, निमेटोफोर क्या होता है? निमेटोफोर्स वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जियो नेगेटिव्स होते हैं और ये क्या करते हैं, भूमि के बाहर निकलते हैं और गैस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, समुद्र में पाए जाने वाली मैनग्रोव जातियां, उसमें निमेटोफोर पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा और स्तरीय क्वेश्चन है, आप नोट करके रखिएगा। तो टैक्सोडियम जाति है, बिल्कुल अलग किस्म का क्वेश्चन है और बहुत ही स्तरीय क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू फॉर पाइनस, पाइनस के लिए इसमें सत्य क्या है? तो पाइनस कैसा होता है? पिक्नोजाइलिक वुड होता है। कैसा होता है? पिक्नोजाइलिक और एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पाइनस इज द पिक्नोजाइलिक एंड एक्टोमाइकोराइजा। पिक्नोजाइलिक द वुड इज द कॉम्पैक्ट हैविंग देन मेडुलरी रेज द सेकेंडरी जाइलम एंड नैरोपित। एक्टोमाइकोराइजा इट्स रूट सो द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, तो वो कौन सा होता है? जेमिया होता है वैसे, हाँ वही है जेमिया। द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज द जेमिया पैगमिया, पैगमियाई बोलेंगे इसको। जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीड प्लांट्स। आर्चिगोनियम आर अब्सेंटिन, तो इनमें आर्चिगोनियम किसमें नहीं पाया जाता है? तो वो प्राय नीटम में आर्चिगोनियम अब्सेंट होती है। किसमें अब्सेंट होती है? नीटम में, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म के काफी नजदीक पौधा है। ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के, इसमें एंजियोस्पर्म के कई सारे करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैमिटोफिटिक टिश्यूज इन साइकस, इनमें गैमिटो जो फाइटिक टिश्यूज होते हैं साइकस में वो कौन से होते हैं? तो एक तो इंटुगमेंट दिया है और न्यूसिलस दिया हुआ है और इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो इंडोस्पर्म इसमें गैमिटोफिटिक होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है इंडोस्पर्म इसका कैसा होता है, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड और हैप्लॉयड, तो हैप्लॉयड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। द लार्जेस्ट मेल गैमिट आर फाउंड इन, तो लार्जेस्ट मेल गैमिट हमें साइकस में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? साइकस में। डिप्लोजाइलिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल किसमें हमें देखने को मिलते हैं? तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल हमें साइकस में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? साइकस में डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। साइकस में डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन साइकस, दिस वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंड, कोलेटरल एंड ओपन, ईच इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर बंडल सीथ कंपोज्ड ऑफ ए थिक वॉल सेल। द स्टडी ऑफ मेडुलरी रेज इन दियर हाइट एंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स विल यू सजेस्ट फॉर सेक्शनिंग द पाइनस स्टेम, तो कैसी सेक्शनिंग करेंगे हम उस पाइनस सिस्टम की? तो रेडियल लॉन्गिट्यूडनल, कैसे करेंगे? रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? मार्सिलिया इज ए हाइड्रोफाइटिक फॉर्म, बिल्कुल सही। इलेटर आर फाउंड इन द स्पोर, प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम, बिल्कुल सही है। साइकस इज फाउंड नेचुरली ग्रोइंग ऑन हाई हिल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइकस इज डायोसियस प्लांट,
साइकस कैसा होता है, डायोसियस प्लांट, तो इसमें ये वाला गलत है. और साइकस हिल्प, साइकस इज मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूट जीनस ऑफ द ऑर्डर साइकडेल. साइकस इज नेचुरली ग्रोइंग इन द गार्डन्स. साइकस इज एवर ग्रीन स्लो ग्रोइंग पाम लाइक स्मॉल ट्री विद द एवरेज हाइट 1.2 to 3 meters. इट ग्रो वेल अंडर कल्टिवेशन इन गार्डन. इसके अलावा साइकस उगता है मगर हिल पे नहीं उगता, पाइनस हिल पे उगता है. इफ द लीप ऑफ पाइनस है 16 क्रोमोसोम, पाइनस की लीप में 16 क्रोमोसोम, सही है. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म, तो भाई हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता तो 8 सही होगा, चूंकि हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड की संख्या में 16 है, तो हैप्लॉइड 8 होगा, ऑप्शन ए सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द साइकस लीफलेट द वैस्कुलर बंडल इज, साइकल साइकस की लीफलेट में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, तो ये होते हैं प्राय मेजार्च. कैसे होते हैं, मेजार्च होते हैं. द साइकस लीफलेट द वैस्कुलर बंडल इज द मेजार्च. ए सिंगल वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द मिडरी प्रिजन. इट इज सराउंडेड बाय द पैरेन्काइमेटस बंडल. सी द वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंड कोलेटरल ओपन एंड डिप्लोजाइली. ध्यान रखना, तो इनकी लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो मेसार्च होता है, ध्यान रखिएगा. अच्छा क्वेश्चन है, तो मेसार्च होता है, ये आप नोट करके रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस, इसमें पाइनस के लिए कौन सही नहीं है. ब्लैक एंड ओब्लीफेरस स्केल्स, ये तो सही है. रेजिन कैनाल एंड नेडल सही है. ट्रैकिट्स आर ब्रॉडेड पिट्स मोनोजाइलिक वुड, तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसमें पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस द सीड आर सपोज टू बी बाइटेग्मिक, तो बताइएगा इनके जो बीज बाइटेग्मिक होते हैं वो किसके होते हैं, तो वो होते हैं एफेड्रा के. द सीड ऑफ एफेड्रा आर बाइटेग्मिक, ध्यान रखना. कंसिस्ट ऑफ टू इंटुगमेंट, द आउटर इंटुगमेंट पेरियंथ और इनवोल्यूकर्स इज फॉर्म्ड बाय द क्वेल्सन्स ऑफ 4 segments गिविंग इट ए शेप ऑफ कप. दियर इनर इंटुगमेंट इज डेलिकेट एंड कंपोज ऑफ 2 segments. ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेरियंथ आर इन्वोल्यूकर. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म बाय, तो वो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 1 male gamete एंड 1 polar cell, गलत है. फ्यूजन ऑफ 2 polar nuclei एंड मेल गैमेट, गलत है. फॉर्म मेगा स्पोर्स, गलत है. फर्टिलाइज एग, तो इसका ऑप्शन सही है, फॉर्म मेगा स्पोर्स से ही डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल, तो इसमें साइकस और गिंगो एक ऐसा है जिसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं. गिंगो बायलोबा नाम सुना होगा. टर्पेंटाइन ऑयल ऑप्टेन फ्रॉम, तो टर्पेंटाइन जो टेल ऑयल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है पाइनस से. किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पढ़ भी लेते हैं. टर्पिन ऑयल इज ड्राइव फ्रॉम द पाइनस. पाइनस मरकूसी आर द चीफ सोर्स ऑफ टर्पिन ऑयल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, तो ये क्वेश्चन एक सदाबहार क्वेश्चन है, तो वो हैप्लॉइड होता है, सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है. और एंजियोस्पर्म कैसा होता है, वो होता है ट्रिप्लॉइड, ध्यान रखना. एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड, इसका हैप्लॉइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ द जिम्नोस्पर्म वूड, वो कैसा है, इसकी वूड कैसी होती है, तो वो होती है नॉन पोरस. कैसी होती है, नॉन पोरस वूड होती है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें वो पेयर कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच. तो साइकस का जो होता है मोटाइल होता है, सही है. पाइनस में पिक्नोजाइलिक, बिल्कुल सही है. और गिंगो को मीडियन हेयर ट्री, तो इसका सही सही ऑप्शन सी है, ध्यान रखना. मैनोजाइलिक जो वूड पाई जाती है ये साइकस में पाई जाती है. मार्क द जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच आर्चिगोनियम इज अब्सेंट, तो किसमें आर्चिगोनियम अब्सेंट रहती है, तो वो है हमारा नीटम. किसमें अब्सेंट रहती है, नीटम में. नेक्स्ट है,
कैरलवाइड रूट्स आर फाउंड इन, तो वो साइकस में पाई जाती है कैरलवाइड रूट्स, और इसमें सिम्बियोटिक कंडीशंस होती है एनाबीना और आपका नोस्टॉक का, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन शायद कहीं पूछ दें। विच इज नोन एज द लिविंग फॉसिल्स, इसमें लिविंग फॉसिल्स किसको बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है गिंगो बाइलोबा। हु प्रपोज द सर्टेन ऑफ द ग्रुप प्रोजिम्नोस्पर्म्स, प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग के सृजन को किसने प्रस्तावित किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइएगा, तो उसको प्रस्तावित किया था बेक ने, किसने प्रस्तावित किया था, बेक ने पहली बार प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग का सृजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीकॉटिलेडनस एम्ब्रियो और फाउंड इन पॉटी, जो पॉलीकॉटिलेडनस एम्ब्रियो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो वो एम्ब्रियो पाया जाता है किसमें, पाइनस में, पॉलीकॉटिलेडनस एम्ब्रियो फाउंड इन पाइनस। विच आर फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज लिविंग कॉर्डाइट, निम्नलिखित में कौन जीवित कॉर्डाइट माना जाता है, बताइएगा जीवित कॉर्डाइट किसको मानते हैं, तो ऑप्शन सही है पोडोकार्पस, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये पोडोकार्पस, तो वो है हमारा कौन, पोडोकार्पस। पोडोकार्पस इज द सीड कोन विथ टू सीडेड, पोडोकार्पस इज हाईली रिगार्डेड एज लिविंग कॉर्डाइट, कॉर्डाइट लीफ क्यूटकिल हैव बीन रिगार्डेड टू माइक्रोमॉर्फोलॉजी एंड एपिडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल साइकस में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल फाउंड इन साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इन विच द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, निम्नलिखित में किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, तो वाहिकाएं हमें पाई जाएंगी जाके एफेड्रा में और नीटम में। इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन द साइकस इज 2n, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, तो वो होगा हैप्लॉइड यानी n। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग फॉसिल्स गिंगो बाइलोबा बिलोंग टू, तो ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है गिंगो बाइलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े आकार का जो मेल गैमिट्स पाया जाता है वो किसमें, पाइनस टेरिस राइजोपस साइकस, तो वो साइकस में पाया जाता है। द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमिट फॉर्म्ड इन द साइकस, ईच मेल गैमिट अपीयर्स टॉप शेप्ड, जैसे लट्टू होता है वैसे दिखाई देता है। विच 5 to 6 स्पाइरल बैंड्स ऑफ सीलिया, द साइज ऑफ मेल गैमिट इन साइकस वेरियस फ्रॉम 180 टू 210 माइक्रोमीटर। द माइक्रोस्पोरंजिया इन साइकस एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन, तो किस पे दिखाई देते हैं, तो देखिये माइक्रो का बात करेगा तो वो कोन्स में होते हैं, along the margins sporophyll axis, तो वो ऑप्शन abaxial side, तो ये abaxial side दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये abaxial side दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन सीन इन पाइनस, तो वो कैसी होती है, पिकनोजाइलिक वुड होती है, जो मैनोजाइलिक होती है ये साइकस में देखने को मिलती है। Which of the following wood will be non-porous, किसकी wood non-porous होती है, तो वो हम आपको बता दें कि non-porous wood जो होती है वो Gymnosperm की होती है, तो pine wood होगी। Next question देखते हैं, तो pine wood will be non-porous wood, pine wood is a frequently used material for fine and economic construction project alike, it is the considered soft wood tree, द वुड ऑफ पाइन रक्स वर्गाई चेयर एंड पाइनस विल्चिनक कैली बोलते हैं, इसे केल बोलते हैं, काइल बोलते हैं, इज ए इम्पोर्टेंट टिम्बर इज द सुटेबल फॉर मेकिंग द रेलवे स्लीपर। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मैनी फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस, पाइनस के एक त्रिशंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं,
तो उनकी संख्या कितनी होगी आप बताएंगे? तो उनकी संख्या कितनी होगी? एक भी नहीं। क्या होता है? एक भी नहीं, चूंकि इसमें फल लगते ही नहीं है। द कोन बियरिंग द फीमेल गैमिट इज लार्जर एंड कॉमनली रिक्वेस्ट सिंपल द पाइन। नो एनी फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शोज द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। निम्न में से किस अनावृत बीजी में टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोष उत्पन्न होता है? तो हिसाब से नीटम ही सही ऑप्शन है इसका, नीटम, जिसमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो उत्पन्न होता है, एम्ब्रियोसैक उत्पन्न होता है। नीटम जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक बिकॉज ऑल द मेगास्पोर मदर सेल में डिवाइडेड रिडक्शनली एंड फॉर्म द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक बट अल्टीमेटली आर एक्सेप्ट वन ऑफ द डिजेनरेट। नेक्स्ट देखते हैं, वेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन। तो वेलामेन देखिए आर्किड में दिखाई देते हैं, मगर यहां कहां दिखाई देते हैं? वेलामेन ऊतक पाया जाता है, बताएगा प्रोप और हैंगिंग रूट ऑफ एपिफाइट। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, आर्किड और सिल्विया में दिखाई देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस। इसमें फर्न और साइकस में कॉमन करेक्टर क्या है? तो सर्सिनेट वेनेशियन होना चाहिए एंड कंपाउंड लीफ, देख लेते हैं, यही ऑप्शन सही होना चाहिए, सही है। फर्न व साइकस में कुंडलित विन्यास व संयुक्त पत्ती एक उभयनिष्ठ लक्षण है। फर्न की पत्ती कंपाउंड और बड़ी और हरी होती है। इसमें तरुण अवस्था में कुंडलित विन्यास यानी सर्सिनेट वर्णेशन होता है। साइकस की पत्तियां द्विरूपी या डाइमॉर्फिक होती हैं। पत्तियां संयुक्त हरी और बड़ी होती हैं। इसमें भी तरुण अवस्था में सर्सिनेट वर्णेशन पाया जाता है। द टिश्यू बिटवीन द पॉलन चेम्बर एंड आर्चिगोनियल चेम्बर ऑफ साइकस। इस साइकस के पॉलन चेम्बर और आर्चिगोनियल चेम्बर के मध्य का ऊतक है, वो कौन सा ऊतक है बताएंगे? तो वो है न्यूसिलस। क्या है? न्यूसिलस है। साइकस और इसके बीच में जो कोमल ढका रहता है वो न्यूसिलस होता है। चिलगोजा ऑप्टेन फॉर पाइनस जिराडियाना दिया है, हाँ सही है, ये भी दिया है। पाइनस जिराडियाना से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो वो नाउसिन थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, शुभरात्रि।